दिव्यांगों के लिए भवन और वृद्ध आश्रम खोलेंगे किसान नेता। जहां किसान नेता योगेश तिवारी ने जन्मदिन पर वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों से लिया आशीर्वाद, जन्मदिन के अवसर पर सेवा सत्कार का लिया संकल्प। उन्होंने वृद्धजनों से आशीर्वाद लिया और साड़ी कपड़ा भेंट कर अपने जन्मदिन पर वृद्धजनों के साथ केक काटकर सेलिब्रेट किया। किसान नेता योगेश तिवारी अपने 51वें जन्मदिन के अवसर पर कहा, एक गोदावरी सेवा संस्था ट्रस्ट बनाया है जिसमें बहुत जल्दी वृद्धजनों के लिए 100 बेड का वृद्धाश्रम और 100 बेड का दिव्यांगजनों के लिए भवन बनाने के लिए भूमि पूजन किया है। वहां की भूमि पूजन किया उनकी धर्मपत्नी के साथ जो कि अध्यक्ष हैं। बहुत ही जल्द 1 वर्ष के भीतर भवन तैयार कर आमजनों को अर्पित कर जन सेवा करने की भावना से हम आगे बढ़ रहे हैं। किसान नेता योगेश तिवारी को जो भविष्य की कामना लोगों ने की, निरंतर बुजुर्गों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरा 51 जन्मदिन है और मैं जन्मदिन अब 51 साल का पूरा हो गया हूँ। अब आगे का जो मेरा जीवन है तो मैं जन सेवा संकल्प दिवस के रूप में आज अपना जन्मदिन मना रहा हूँ और आगे का जीवन सिर्फ जन सेवा करना चाहता हूँ। समाज के सेवा में अपने जीवन को समर्पित करने के उद्देश्य से आज मैं वृद्धाश्रम आया हूँ बेमेतरा। यहाँ वृद्धों के बीच में मैंने अपना जन्मदिन मनाया है और आगे बस जनता की सेवा करना है, आमजन की सेवा करना, यही भावना से मैं बहुत जल्द एक गोदावरी सेवा संस्थान के नाम से हम लोग एक ट्रस्ट बनाए हैं और 100 बेड का एक वृद्धाश्रम और 100 बेड का एक दिव्यांग लोगों का हम लोग आश्रम बनाने का आज भूमि पूजन भी हम लोगों ने किया है। बेमेतरा विधानसभा के नज़दीक गोमसी करके एक मेरा पहले फार्म हाउस हुआ करता था, उस पर ट्रस्ट बनाकर हम लोगों ने समर्पण कर दिया है। मेरी धर्मपत्नी उस ट्रस्ट की अध्यक्ष है और उसका हम लोगों ने भूमि पूजन किया। 1 साल के अंदर वो भवन को तैयार करके आमजन को हम लोग समर्पित करके जन सेवा